बलिया में भीषण सड़क हादसा, एक छात्र की मौत तो वहीं आधा दर्जन से अधिक छात्र हुए घायल। बता दें कि स्कूली छात्र पिकअप में सवार होकर के जा रहे थे कि तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर के ट्रक में मारी टक्कर, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि बलिया जनपद के फेफड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 31 स्थित कपूरियम टाटा मोटर्स के बीच खड़े ट्रक में पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है जबकि एक दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए हैं। इनमें 8 छात्रों के हालात गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आसपास के लोगों ने तत्काल मदद पहुंचाई, सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां छात्रों का उपचार चल रहा है, तो वहीं 2 बच्चों को गंभीर हालात देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद स्कूली बच्चों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सवारी पिकअप में नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर मालदेपुर के छात्र सवार होकर विद्यालय आ रहे थे। जैसे ही टाटा मोटर्स और कपरी गांव के बीच NH 31 के बीच उनकी पिकअप पहुंची, अनियंत्रित होकर के खड़े ट्रक में टकरा गई। इसमें एक छात्र यश प्रताप सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी लक्ष्मणपुर पिपरा थाना नरही जनपद बलिया की मौत हो गई है, जबकि एक दर्जन छात्र घायल हो गए हैं, जिसमें 8 छात्रों की हालात गंभीर बनी हुई है। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। मौके पर DM प्रवीण कुमार लक्षकार तथा SP विक्रांत बीर पहुंचे हुए हैं। कई थाने की पुलिस फोर्स भी पहुंची हुई है, तो वहीं घायलों के परिजन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बलिया CMO सहित सभी डॉक्टर्स बच्चों का इलाज करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि सड़क हादसे का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और सभी बच्चों को बेहतर उपचार के लिए निर्देश जारी किया है। आज एक दुखद घटना हुई है सुबह, और थाना फेफना पड़ता है हमारे सदर तहसील में, उसके अंतर्गत क्षेत्र का यह मामला है। और एक नागा स्कूल है नागा, तो उसमें वहाँ पे बच्चे जाते थे, तो ये बच्चे अपने साधन से जाते थे और जो बच्चे हैं एक पिकअप में बैठ करके, जैसे 7-8 बच्चे बैठे, फिर आगे रुके, फिर 7-8 बच्चे ऐसे बैठे, तो उसमें 15-20 बच्चे बैठते हैं। और अचानक से क्या हुआ कि पिकअप अनियंत्रित हो गई और राइट लेफ्ट करके, और जो एक खड़ा ट्रक था उससे जा करके टकरा गई। और यहाँ पर तुरंत से सभी को लाया गया अस्पताल और सभी को सुविधाएँ दी जा रही है। एक बच्चा जो था वो यहाँ पर ब्रॉड डेड लाया गया। 3-4 बच्चे जो है क्रिटिकल है, उसमें से 2 को BHU रेफर किया गया है, बाकी को यहीं पर हम जो हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट है और ICU है उसमें रख रहे हैं। हमारे CMO CMR सभी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है और हम बेहतर से बेहतर इलाज देने का प्रयास कर रहे हैं। और घटना में कितने बच्चे घायल हैं और कितनी मौत हुई? क्योंकि ये थाना फेफना क्षेत्र की घटना है, वहाँ पे पिकअप से बच्चे घायल हुए और जो पिकअप है वो अनियंत्रित होकर के खड़े ट्रक से टकरा गई, तो इसलिए अभी तक की सूचना में 15 बच्चे वहाँ घायल हुए थे, उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है और उसमें 1 बच्चे की अभी मृत्यु हो गई है और 2 बच्चों को BHU के लिए रेफर किया जा रहा है। और ड्राइवर को भी वहाँ से, ड्राइवर भी वहाँ मौके पर घायल हो गए थे, उनको भी हॉस्पिटल लाया। तो सर ये कहाँ आ रही थी, किस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे जो आ रहे थे वहाँ से, वो सब अभी जाँच की जा रही है। सर जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ वो ट्रक वाला भाग गया है या पकड़ा गया? जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी वाला भाग गया या पकड़ा गया? ट्रक की एक्सीडेंट हुआ, अनियंत्रित होकर उसमें ठोकर लगी, जैसा कि पता चला है। आगे इसकी पूरी जांच की जा रही है।